देश राज भगत सरपंच अखनूर। आज आल जे एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो हड़ताल भूख हड़ताल जारी है, हंगर स्ट्राइक, उसका आज छठा दिन है और अपनी मांगों के अगेंस्ट हम लोग मांगों के प्रति हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन आज हड़ताल को हमारे जो साथी हड़ताल पर बैठे हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। आज छठा दिन हो गया है लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आज तक अधिकारीगण हमारे पास कोई बातचीत के लिए नहीं आया है। तो हमारा जो आंदोलन है ये फिलहाल तो हमारी जो हड़ताल है, स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक की वे 3 से 10 तारीख तक है, लेकिन इसके बाद हम 10 के बाद और रणनीति बनाएंगे और इसको हम और तेज़ करेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रियासत से हमारे साथ लोग सरपंच पंचे जुड़ रहे हैं और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ रहे हैं। दिन दिन हमारी इसकी स्ट्राइक में इजाफा हो रहा है और सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम कोई और कोई रुख अख्तियार कर सकते हैं। तो जब तक हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, जैसा कि हमारे 3 साल से MG नरेगा की लाइबिलिटीज पेंडिंग है, आज तक वो उसकी तरफ कोई देनदारी जो हमारी बढ़ी हुई है सरकार ने कोई उसके बारे में विचार नहीं किया है। हमारे जो मजदूर लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो बिल्कुल ही उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि मजदूर मजदूरी करता है अपने रोज़गार अपने रोजी कमाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि सरकार की तरफ से या कोई भी एजेंसी जब कोई काम करवाती है तो ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन अब पसीने के बजाय मजदूर का खून सूख रहा है। वो सरकार आज तक इस पर कोई ध्यान है, वो बिल्कुल ही एक पंचों सरपंचों के साथ मजाक है। जैसे 1000 रुपया पंच को और 2500 रुपया सरपंच को दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ही हम लोगों को मंजूर नहीं है।